गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस भवन विद्यालय पंचकुला ऑनलाइन टेस्ट ऑफ क्लास 8 व्हिच वाज हेल्ड ऑन 10th जून 2020. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन तो था आपका एंटर योर सेक्शन, उसमें तो सेक्शन एंटर करना था. तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से. सेकेंड क्वेश्चन इज द डिजिट इन द 10th प्लेस ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी बी, देन द नंबर इज, आपके पास चार ऑप्शंस हैं. ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना है. नंबर कैसे फाइंड करेंगे? नंबर कौन सा है? 2-डिजिट नंबर. ठीक है, 2-डिजिट नंबर मींस कि कुछ हमारा 1 प्लेस पे होगा, कुछ 10th प्लेस पे होगा. ठीक है, अब 1 प्लेस पे और 10th प्लेस पे होगा क्या, इसके लिए हम फर्स्ट लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं. द डिजिट इन द 10th प्लेस ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. 10th प्लेस की डिजिट के बारे में बताया, क्या कहा है? ये 3 ज्यादा है किससे? डिजिट एट 1th प्लेस. ठीक है, तो अब 1th प्लेस पे क्या डिजिट है वो तो हमें नहीं पता. हम फिर क्या करते हैं? सपोज करते हैं, अब इसने खुद ही बता दिया कि लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी बी. इसने खुद ही कह दिया कि बी सपोज करना है, तो हम बी ही सपोज करेंगे. 1th प्लेस पे बी आ गया, तो 10th प्लेस पे क्या होगा? इससे 3 ज्यादा है, मींस बी प्लस 3. ठीक है, अब यहां से देखो 1th प्लेस भी पे पता चल गया एंड 10th प्लेस पे भी हमें पता चल गया डिजिट इन टर्म्स ऑफ बी. यहां से हमें नंबर बनाना है. अब नंबर कैसे बनाएंगे? नंबर किस फॉर्म में है? इन टर्म्स ऑफ बी. तो नंबर कैसे बनेगा? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 10th प्लेस पे है बी प्लस 3, मीन्स 10 इंटू बी प्लस 3 प्लस 1th प्लेस पे है बी, सो 1 इंटू बी. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 10 इंटू बी 10b प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस 1 इंटू बी बी, 10b प्लस बी 11b प्लस 30. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया नंबर. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 11b प्लस 30, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल इज, चार ऑप्शंस आपके पास हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है? x की वैल्यू बतानी है फॉर विच दीज टू एक्सप्रेशन बिकम इक्वल. तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम इक्वल रख लेते हैं. 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1. ठीक है, तो इसे अब सिंप्लीफाई करना है. अब क्या करेंगे? x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड. सो 3x एज इट इज, ये प्लस का 2x उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 एज इट इज. ये माइनस 4 जब इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस 4. ठीक, 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5. तो x की वैल्यू हमारे पास 5y. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज द मॉड ऑफ द डाटा. डाटा हमें दे दिया, इसमें से हमें मॉड फाइंड करना है कितना होगा. ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि मॉड होता क्या है. मॉड क्या होता है? दैट ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन, इसमें से जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई है, दैट इज मॉड. ठीक है, अब चेक करने का वे, अगर मैं यहां से चेक करूंगी 30 देख लूं पहले कितनी बार आया, फिर 61 देख लूं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. तो हम ऑप्शन से ही चलते हैं. इन चारों में से एक आंसर है तो इन्हीं को चेक कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 26 देखें, 26 यहां पे सिर्फ एक बार आया. चलिए 30 यहां पे एक बार है, बस एक ही बार है. 56
56 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, टू टाइम्स 61 भी एक ही बार है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन आई, 56 टू टाइम्स, सो 56 मीन्स थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, फोर ऑप्शंस हैं, ओनली वन वेरिएबल विद एनी पावर, ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल विद पावर वन एंड ओनली कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसमें से देखना है क्या पूछा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल है इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, तो सबसे पहले तो इन चारों ऑप्शंस में देख लेते हैं वन वेरिएबल कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में ओनली वन वेरिएबल विद एनी पावर, वन वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक तो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा सेकंड में ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, विद अ वेरिएबल एक वेरिएबल, इसमें भी ओनली वन वेरिएबल विद पावर वन, सिर्फ एक वेरिएबल इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में से चेक करें, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर का क्या मतलब होगा, वेरिएबल एक ही है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, वन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x+3 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल एक ही है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1, ठीक है। मान लो मैं कोई और इक्वेशन ले लूं, 3x+2 इज इक्वल टू 4x+5, यहां पे वेरिएबल एक ही है x और हाईएस्ट पावर x की क्या है, 1, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द हाइट ऑफ ए रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज विड्थ ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अब इन चार ऑप्शंस में से बताना है हमें। तो मैंने हिस्टोग्राम पहले ही बना लिया, ठीक है। हिस्टोग्राम ऐसे ही होता है, अब हिस्टोग्राम में ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी जो हाइट है ये किसे शो करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है ये। देखो 0 से 10 इस इंटरवल में ये बार बनी है, ठीक है। 10 टू 20 में ये, 20 टू 30 में ये, ठीक है। तो यहां तक बनी 2 तक, तो ये चीज क्या होती है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। 2 तक बनाया, 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बार 3 तक जा रही है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो रेक्टेंगल्स की हाइट किसे रिप्रेजेंट करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज, लिस्टेड बिलो आर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर 10 डेज। टेम्परेचर दे दिए, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, हमें रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज क्या होती है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए रेंज क्या होती है। रेंज इज हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसमें से हम ये देख लेते हैं जो लिस्ट हमें दी है कि इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो हाईएस्ट अगर देखें कौन सी है, 5, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने 5 माइनस, अब इसमें से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन हमें चेक करनी है। देखें लोएस्ट क्या, लोएस्ट 0 है, नहीं 0 से भी छोटे नंबर हमें दिख रहे हैं। तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज -8, तो यहां पे हमने लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डाल दी, ठीक है। ये क्या बना, 5+8 दैट इज 13, ठीक है। सो 13 डिग्री सेल्सियस रेंज आ गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम एट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ
a and b are positive integers, then the solution of the equation ax is equal to b has to be always, आगे आपके पास चार options हैं, ठीक है? अब हमसे पूछा गया, पहले ये देख ले क्या पूछा है, हमें एक equation दे दी ax is equal to b, ठीक है? इसके solution के बारे में पूछा है कि वो positive होगा, negative होगा, 1 होगा कि 0 होगा, ठीक? तो अगर solution के बारे में पूछा है तो हम इसका सोल्यूशन पहले तो फाइंड करेंगे, पहले वैल्यू तो निकालें, देखें तो सही क्या आ रहा है, ठीक है? तो ax is equal to b, यहाँ पे हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, वेयर a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी दे दिया, मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक? अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, x के साथ यहाँ जो भी होगा वो इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, अभी x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है? तो यहां से x आ गया b अपॉन a, x की वैल्यू कितनी आ गई b अपॉन a, अब यहां से देखें, यहां हमें b और a के बारे में क्या पता है, क्या पता है, दैट a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? b भी पॉजिटिव इंटीजर है, a भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? सो फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अर्पिता'स प्रेजेंट एज इज थ्राइज ऑफ शिल्पा, इफ शिल्पा'स एज 3 years ago वॉज x, देन अर्पिता'स प्रेजेंट एज इज, चार ऑप्शन, ठीक है? हमें फाइंड क्या करना है, अर्पिता की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है? और यहाँ पे इस क्वेश्चन में किस किस की बात हो रही है, एक तो अर्पिता की बात हो रही है और दूसरा शिल्पा की बात हो रही है, तो हम ये दोनों लिख लेते हैं कि किस किस की बात हो रही है, ठीक है? चलिए, हमें क्या कहा है, अर्पिता'स प्रेजेंट एज इज थ्राइज ऑफ शिल्पा, अर्पिता की प्रेजेंट एज के बारे में कुछ बताया, क्या बताया, दैट अर्पिता'स प्रेजेंट एज इज थ्राइज ऑफ शिल्पा'स एज, थ्राइज मींस थ्री टाइम्स किसका, शिल्पा की एज का, ठीक है? तो मतलब यहां पे मुझे शिल्पा की प्रेजेंट एज फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब शिल्पा की प्रेजेंट एज देखें कितनी है, उसके लिए हमें ये नेक्स्ट लाइन पढ़नी पड़ेगी, इफ शिल्पा'स एज 3 years ago वॉज एक्स, अब यहां पे क्या बताया है, 3 साल पहले की एज बता दी शिल्पा की एक्स है, तो अगर 3 साल पहले एक्स है तो आज प्रेजेंट एज कितनी होगी, अगर हमें नहीं पता चल रहा तो हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक किसी की एज 3 साल पहले 10 years है, ठीक है? 3 साल पहले किसी की एज 10 years है, तो अगर मैं पूछूं कि आज प्रेजेंट एज कितनी है, कितनी होगी, 10 plus 3, 13 years, ठीक है? ऐसे ही 3 साल पहले की एज दे दी शिल्पा की x, तो आज प्रेजेंट एज कितनी होगी, x plus 3, ठीक है? तो शिल्पा की प्रेजेंट एज आ गई x plus 3 years, अब शिल्पा की प्रेजेंट एज आ गई तो हम ये निकाल ही लेंगे, क्या कहा था इसने, थ्राइज ऑफ शिल्पा'स एज मींस थ्राइज ऑफ x plus 3, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गई अर्पिता की प्रेजेंट एज, यही तो पूछी थी, तो 3 times of x plus 3 कौन सा ऑप्शन है, लास्ट वन, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब टेंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टेंथ क्वेश्चन में क्या कहा है, डेटा कलेक्टेड इन अ सर्वे शोज दैट 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन इज, हमें इस इंफॉर्मेशन का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, पाई चार्ट की बात हो रही है, ठीक है? तो पाई चार्ट है, ठीक है, ये सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है,
ठीक है, और ये सेक्टर्स हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि 40% ऑफ द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। 40% बायर्स को कोई टूथपेस्ट ठीक लग रहा है, ठीक है, तो 40% है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस 40% के लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना है पाई चार्ट में, तो वो हम कैसे फाइंड करें, देखें। अब 40% को पसंद है, 40% के लिए हमें एंगल फाइंड करना है, तो 40% किसका, पूरे एंगल का, ठीक है, टोटल एंगल, ये टोटल, ये सारा मिला के पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो 40% ऑफ 360 डिग्री, यहां से हमारे पास सेंट्रल एंगल निकलेगा इस इंफॉर्मेशन का, ठीक है, कि पूरे एंगल का 40% ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कैसे निकाले एंगल, 40% ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 40/100 ऑफ मींस इनटू 360, इसकी जब कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 4 into 36 is 144, ठीक है। तो 144 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू 40%, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, क्लियर। नाउ 11th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब चार ऑप्शन हमें दिए हैं, इसमें से हमें लीनियर एक्सप्रेशन बताना है कौन सा है, ठीक है, सारे एक्सप्रेशंस है, इसमें से हमें लीनियर बताना है। तो लीनियर बताना है मींस हमें सबसे पहले तो लीनियर का मतलब पता होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1, ठीक है। तो यहां पे देखो चारों ऑप्शंस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 कहां पे है, यहां पे जेड की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें अगर देख लेते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर y की 2 है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड, इसका मतलब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3 = 0, ठीक है, हम यहाँ कहते हैं कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, x को यहीं पे रखते हैं, इसके साथ जो भी होता है उसे इधर ट्रांसपोज कर देते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या ट्रांसपोज होगा, प्लस का 3 इधर आके -3 इधर ट्रांसपोज कर दिया, ऐसे नंबर ट्रांसपोज हुआ। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोज किया मीन्स ट्रांसपोजिशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम 13th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13th क्वेश्चन इज, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट इज अ, आगे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो हमें वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है जो रिलेशनशिप बता रही है किसके बीच में, अ होल एंड इट्स पार्ट्स के बीच में, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं, देखो चार ऑप्शन है, अगर मैं पिक्टोग्राफ की बात करूं तो पिक्टोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें पिक्चर्स बनाते हैं, पिक्चर्स कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अगर मैं बार ग्राफ या हिस्टोग्राम की बात करूं, उसमें हम बार्स बनाते हैं, है ना, बार्स से हमें इंफॉर्मेशन शो होती है। अगर मैं पाई चार्ट की बात करूं, पाई चार्ट में क्या होता है, एक सर्कल बनता है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है वो हमें सेक्टर्स के थ्रू पता चलती है, मींस ये जो होल सर्कल है ये डिवाइड होता है कुछ सेक्टर्स में, ठीक है, और हर एक सेक्टर हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, अ होल इज डिवाइडेड इनटू इट्स पार्ट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज पाई चार्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर।
अब हम डिस्कस करते हैं 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन में क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. चार ऑप्शन दे दिए, इसमें से बताना है कौन सा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है. देखें क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट के बारे में हम श्योर नहीं होते. मींस जब वो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है. देख लेते हैं कैसे. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, हमने कॉइन को टॉस किया. अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो हेड ही आएगा? नहीं, हम श्योर नहीं है. हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ठीक है, सो दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब इसके रिजल्ट के बारे में हम श्योर नहीं है, हमें पक्का नहीं पता कि क्या हो सकता है. ठीक है, हाँ जी. सेकेंड ऑप्शन इज रोलिंग अ डाइस. डाइस रोल की, तो क्या उसमें हम श्योर हैं कि हाँ जी 5 ही आएगा या 6 ही आएगा? नहीं, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है. अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड. अब 52 कार्ड है हमारे पास, उसमें से मैंने एक कार्ड उठा लिया, बिना देखे एक कार्ड उठा लिया, तो क्या मैं श्योर हूं कि वो जो एक कार्ड है वो जैक होगा या फिर वो एक कार्ड किंग होगा? श्योर तो नहीं है. 52 कार्ड में से जब एक कार्ड हमने निकाला तो वो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें भी हम श्योर नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा. ठीक है, तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है. अब फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. अब ऊपर से मैंने स्टोन फेंका तो क्या होगा? डेफिनेटली वो नीचे ही गिरेगा. मुझे इसके रिजल्ट के बारे में पता है कि अगर मैंने ऊपर से स्टोन फेंका तो वो नीचे ही गिरेगा. ठीक है, वी आर श्योर कि वो नीचे ही गिरेगा. सो दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो हमसे यही तो पूछा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा नहीं है. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. अब हम 15th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, फोर ऑप्शंस आर ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, मोर देन टू सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन. ठीक है, हमें सॉल्यूशन के बारे में पूछा है कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 होगा, 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे या होंगे ही नहीं. ठीक है, अब अगर हमें अभी कुछ नहीं पता चल रहा कि इसका आंसर क्या है तो हम एक दो एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं. ठीक है, कोई भी एक, देखो लीनियर इक्वेशन की बात की है तो आपको इतना तो पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, जिसमें वेरिएबल एक ही हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो. ठीक है, तो एक अपने मन से एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिख लेते हैं. सपोज मैंने ये लिख ली 3x-4 = 0. ठीक है, अब मुझे इसके सॉल्यूशन की बात करनी है. सॉल्यूशन मींस मुझे x की वैल्यू निकालनी है. निकाल लेते हैं यहां से x की वैल्यू. तो 3x एज इट इज, ये -4 उधर ट्रांसपोज होगा +4. ठीक है, तो यहां से 3x = 4 आ गया. सो x = 4/3. ये तो पता है 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, तो यहां पे x की वैल्यू आई 4/3. कितने सॉल्यूशन मिले? एक ही मिला. ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं. सपोज मैंने लिया 3x-1 = 2x+4. ये ले लिया. क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है. वेरिएबल इसमें एक ही है x, और उस x की हाईएस्ट पावर भी क्या है? 1. ठीक है, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आती है. यहां क्या होगा, x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठी करेंगे एंड कॉन्स्टेंट राइट साइड. तो ये आ गया 3x, ये प्लस का 2x इधर आके -2x = ये +4, ये -1 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो +1. ठीक है, 3x-2x x = 4+1 = 5.
तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई, मीन्स कितने सोल्यूशन मिले, एक ही मिला, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखोगे तो आपको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन सोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 16th क्वेश्चन इज इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लासेस 0 टू 10, 10 टू 20 एटसेट्रा द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10, द लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास इज। हमसे पूछा गया है फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट, तो सबसे पहले फोर्थ क्लास देख ले कौन सी है, ठीक है। अच्छा पहले क्या है, 0 से 10, 0 टू 10 दिस इज फर्स्ट क्लास, हमें साइज भी दे दिया क्लास इंटरवल का क्या है 10 है, ठीक है। देन सेकंड क्लास भी गिवन है 10 टू 20, साइज 10 है, ठीक है। तो थर्ड क्लास क्या होगी, 20 टू 30, साइज 10, ठीक है। अच्छा फोर्थ क्लास क्या होगी, 30 टू 40, साइज 10, ठीक। अब यहां पे यही तो पूछा था लोअर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास हमने लिख ली, अब इसकी लोअर लिमिट बतानी है, तो लोअर लिमिट कौन सी है, 30, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इन्हें हम बोलते हैं अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट इज 30, तो करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट ऑप्शन 30, ठीक है। अब हम 17th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 17th क्वेश्चन क्या है, इफ 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x देन x इज, मीन्स हमें ये इक्वेशन दे दी, क्या है 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है, मीन्स कैसे करेंगे, x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड, ठीक। चलिए 8x एज इट इज, ये प्लस का 17x इधर आके, माइनस 17x इज इक्वल टू 25 एज इट इज, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3, ठीक है। 8x माइनस 17x कितना होगा, माइनस 9x इज इक्वल टू 25 प्लस 3, 28। अब यहां पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, मींस माइनस 9 हटाना है, माइनस 9 x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप में जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28 अपॉन माइनस 9, ये एक्चुअली है क्या, x इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 9, तो x की वैल्यू ये आई। और हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, x इज अ फ्रैक्शन, पहला ऑप्शन फ्रैक्शन, क्या ये x जो हमारा आंसर आया माइनस 28 अपॉन 9 ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्यों, फ्रैक्शन नेगेटिव में थोड़ी होती है, फ्रैक्शन क्या होती है कि हमारे पास कुछ होल है उसमें से हम पार्ट्स उठा रहे हैं, ठीक है। क्या कभी नेगेटिव में पार्ट्स उठा सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि 5 में से मुझे माइनस 3 पार्ट्स उठाने हैं, ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रैक्शन तो नेगेटिव नहीं होती, तो ये फ्रैक्शन तो नहीं है एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, इंटीजर तो आपको पता ही क्या होते हैं, है ना, तो ये इंटीजर भी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन इज रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल, माइनस 28 अपॉन 9 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो पता है ना क्या होता है, क्या होता है, जो p बाय q की फॉर्म में हो, p बाय q की फॉर्म में है एंड p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स भी हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और q 0 भी नहीं है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम 18th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द अल्फाबेट। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द अल्फाबेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी,
number of favorable outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes. ठीक है, अब देखो हमें चूज करना है वॉवल किसमें से, अल्फाबेट्स में से. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, 26. ठीक है, वो लिख दिया 26. उसमें से हमें चूज क्या करना है, वॉवल चूज करने हैं. वॉवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5. ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वॉवल्स कितने हैं, 5. सो ये आ गया 5. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 5/26. ठीक है, कहां पे है ये ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, 5/26, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. अब हम 19th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. राम पुट सम बटन्स ऑन द टेबल. देयर वर 4 ब्लू, 7 रेड, 3 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बटन्स इन ऑल. ऑल ऑफ ए सडन अ कैट jumped on the table and knocked out one button on the floor. What is the probability that the button on the floor is blue? अब cat ने एक तो गिरा दिया नीचे, ठीक है, तो पूछा क्या है कि वो जो नीचे गिरा बटन उसकी probability blue क्या आने, ठीक है, that the button on the floor is blue. वो जो button गिरा है नीचे वो blue है, उसकी probability हमें find करनी है. तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, मींस टोटल बटन्स कितने हैं, कितने हैं, 4 ब्लू, 7 रेड, 3 ब्लैक एंड 6 व्हाइट. सो टोटल बटन्स आर, इनको ऐड कर दो, कितने हुए, 20. ठीक है, अब यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, ब्लू बटन की, कि जो गिरा है वो ब्लू बटन है उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है. तो यहां पे ये देख लो कि ब्लू बटन कितने हैं, कितने हैं, 4. ठीक है, तो यहां क्या आएगा, 4. ठीक है, 4/20, लेकिन वहां पे 4/20 तो कहीं नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, क्या आएगा, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 1/5. सो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 1/5. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + b इज इक्वल टू 0. क्या होगा सॉल्यूशन, मतलब हमें ये इक्वेशन दे दी, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं. सोल्यूशन फाइंड करना है मीन्स हमें एक्स की वैल्यू देखनी है, सिंपल. ठीक है, क्या है, ax + b इज इक्वल टू 0. अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, मीन्स सिर्फ एक्स ही रखेंगे यहाँ पे, इसके साथ जो भी है वो राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ax एज इट इज, ये प्लस का b पहले तो ट्रांसपोज होगा, इधर आके माइनस बी आ गया, 0 - b इज -b. ठीक, अब ये a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब a को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -b/a. सो x की वैल्यू हमारे पास आई -b/a. सो -b/a कहाँ है, थर्ड ऑप्शन. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x - 7 इफ 5x/3 - 4 इज इक्वल टू 2x/5. ठीक है, हमसे पूछा गया है, हमें 2x - 7 की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, कब, इफ दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अब देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे बता सकते हैं, जब हमें x की वैल्यू पता होगी. ठीक है, अब ये x की वैल्यू कहां से आएगी, हमें क्या गिवन है, कि अगर ये इसके इक्वल हुआ तब बतानी है उसकी वैल्यू. ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, चलिए
5x upon 3 minus 4 is equal to 2x upon 5. अब क्या करेंगे? x वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो. 5x upon 3 ये प्लस का 2x upon 5 उधर जाके minus 2x upon 5 is equal to minus का 4 इधर आके plus 4. ठीक है? अब जहां तक मुझे लगता है आपको इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना. इसका एलसीएम लेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे. यहां से हमारे पास सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 19. ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 19. अब क्या करना है? इसकी वैल्यू पूछी थी ना, इसमें पुट कर दो. 2x माइनस 7, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 60 अपॉन 19. 60 अपॉन 19 माइनस 7. तो 2 इंटू 60 कितना? 120 अपॉन 19 माइनस 7. ठीक है, अब यहां पे एलसीएम लेके इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व तो आपको करना आता है. ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 19. ठीक है, मींस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन. ठीक है, हाँ जी, 22nd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ 3x माइनस 4 इंटू 64 माइनस x इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ x इज. सिंपल है क्वेश्चन, इक्वेशन आपको दे दी, वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4 इंटू 64 माइनस x इज इक्वल टू 10. अब कई बार हम सॉल्व करने में भी मिस्टेक कर देते हैं. कैसे करनी है? 3x एज इट इज, यहां पे माइनस साइन है रखा. अब ये जो अगला एक्सप्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे ब्रैकेट में रखेंगे. क्यों? क्योंकि बाहर माइनस साइन है, अगर ब्रैकेट में नहीं रखा तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो 4 इंटू 64, देखो ये 4 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 4 64 से भी मल्टीप्लाई होगा एंड x से भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो 4 इंटू 64 क्या होगा? कितना हो जाएगा? 256. ठीक है, अच्छा बीच में माइनस साइन. 4 इंटू x कितना? 4x इज इक्वल टू 10. ठीक, अब 3x एज इट इज, अब यहां पे माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर है. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर जितनी भी टर्म्स है उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. अभी ये प्लस का 256 है, बाहर आके माइनस 256. यहां पे ये माइनस का 4x है तो बाहर आके प्लस 4x. ठीक है, इज इक्वल टू 10. अब x वाली टर्म्स क्या है? 3x प्लस 4x कितना? 7x. ठीक है, इस टर्म को माइनस 256 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 10 प्लस 256. ठीक है, ये कितना आया? 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 256, 266. यहां से x क्या आ जाएगा? 266 अपॉन 7. ठीक है, जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 38. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट वन, 38. अब हम 23rd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. 23rd क्वेश्चन क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स एंड हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज. 4 ऑप्शन. हमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो यहां पे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखें, सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. कितने हैं? क्या लिखा है? अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 200. ठीक है, लिख दिया. अब यहां क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मींस उसने क्या कहा है? हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स. 120 टाइम्स हेड आया, और हेड के आने की ही तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. ठीक है, सो यहां क्या आएगा? हेड कितनी बार आया? 120 टाइम्स. 120 आ गया. ठीक है, अब इसे
सिंप्लीफाई कर लेते हैं. कैंसलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 इज 12, 4 5 इज 20. सो आंसर इज 3/5. कहां पे है 3/5? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. अब हम 24th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या कहता है? पाई चार्ट है. पाई चार्ट मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है. अब इस पाई चार्ट में टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? ये पूरा एंगल. ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री, ठीक है. सो ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ जी, 25th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357. फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ठीक है. स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है. गिवन क्या है हमें? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 हमें गिवन है. सबसे पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का मतलब क्या है, ठीक है. क्या मतलब है? देखो, 7 के मल्टीपल्स की बात की है. 7 के मल्टीपल्स मतलब 7 का टेबल लिख ले, देखें. अच्छा, 7 मतलब 7, 7 टू द 14, 7 थ्री द 21, 7 फोर द 28, 7 फाइव द 35 एंड सो ऑन, ठीक है. ये हमने क्या लिखे? 7 के मल्टीपल्स लिखे, ठीक है. अब देखो, अगर मैं पहला मल्टीपल 7 ले लूं, तो इससे अगला मल्टीपल जो है कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? नेक्स्ट मल्टीपल. नेक्स्ट मल्टीपल उससे अगला, ठीक है. तो 7 के बाद ये 14 कैसे आया? कैसे आया? प्लस 7 करके. 7 में 7 ऐड कर दो, 14 ही तो आएगा, ठीक है. अच्छा, 14 से अगला नंबर 21, ये कैसे आया? प्लस 7 करके. 21 से नेक्स्ट मल्टीपल 28 कैसे आया? प्लस 7 करके. मींस हमें 7 के मल्टीपल्स कैसे मिल रहे हैं? प्लस 7 करके, ठीक है. तो अब यहां पे हमें 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, वो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हमें नहीं पता. नहीं पता ना? तो हम सपोज कर लेते हैं. सपोज कर लेते हैं पहला मल्टीपल हमारे पास x है, ठीक है. अगर फर्स्ट मल्टीपल x है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, x प्लस 7. 7 ऐड करके हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिल रहा है ना, ठीक है. अच्छा, इससे नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, x प्लस 14, ठीक है. समझ आया? तो ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिए हमने 7 के, और हमें यही 3 कंसेक्यूटिव फाइंड करने हैं. मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर x आ गया तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स भी आ गए. अब x की वैल्यू कैसे फाइंड होती है? जब हम x में इक्वेशन सेटअप करते हैं, ठीक है. अब देखें इक्वेशन कैसे बनानी है. इक्वेशन हमेशा गिवन में बनती है. क्या गिवन है? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357. मींस इन तीनों मल्टीपल्स का सम कितना है? 357, ठीक है. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू 112 आ जाएगी. इक्वेशन तो सॉल्व कर लोगे, तो x की वैल्यू वहां से 112 आ गई. हमसे पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल. स्मॉलेस्ट बताना. तीन थे ना, एक x, एक x प्लस 7 एंड x प्लस 14. इसमें से छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा होगा? x, ठीक है. अब x की वैल्यू तो हमें पता है 112. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, 112. अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 26. इन अ स्कूल ओनली 3 out of 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेक इट टू द कॉम्पिटिशन, ठीक है. हमें गिवन क्या है? इन अ स्कूल ओनली 3 out of 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट. 5 में से 3 स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है. और पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेक इट टू द कॉम्पिटिशन. प्रोबेबिलिटी बताने की, इसकी जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है.
तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? 5, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है? और हमें क्या गिवन है कि 3 out of 5 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर 3 पार्टिसिपेट कर सकते हैं 5 में से, तो कितने नहीं कर सकते? 2। 5 में से 3 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 2 स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है? तो कितने पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? 2। तो फेवरेबल आउटकम हमारी आ गई 2, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। अब अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में तो डेसिमल में आंसर है, तो कुछ नहीं, इसको डेसिमल में कर लो। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 0.4, ठीक है? तो 0.4 हमारा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक? तो इसी के साथ ही हमारी डिस्कशन ओवर होती है। आई थिंक ये डिस्कशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी।